सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सभी सेफ होंगे। तो आज अपने पीछे खड़ी अपाचे आरटिया 162V का 2023 वाला मॉडल। काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं, प्राइस भी अपडेट हो चुकी है। और क्या अभी इस बाइक को परचेज करना वर्थ है या नहीं, जब आपको 4V देखने को मिल जाती है, तो 2V को परचेज करना वर्थ है या नहीं, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बाइक के अंदर, और क्या अभी ऑन रोड प्राइस लेके आती है बाइक, सभी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी मज़ा आने, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स। ये खड़ी अपने सामने टीवीएस की अपाचे आरटिया 162V का 2023 वाला मॉडल, जो अभी बिल्कुल नया आ चुका है। आपको जो फ्रंट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, अब आपको इसके अंदर जो है LED पूरी देखने को मिल जाती है, हैलोजन देखने को नहीं मिलती है। पहले से आपको LED स्ट्राइप देखने को मिलती थी, अब जो यहाँ पे बेसिक जो मेन लाइट है, हेडलाइट है, वो भी आपको LED देखने को मिल जाती है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वही आपको सिमिलर टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है, सिमिलर आपको फोक्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट टायर के बारे में बात करूँ, तो आपको टायर देखने को मिल जाएगा 90x90 सेक्शन का, 17 इंच का आपको इसके अंदर टायर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूं, तो आपको 270mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। टायर आपको जेके टायर देखने को मिल जाता है, वहीं जो आपको 180 वाला है उसके अंदर आपका TVS का ही टायर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको जेके टायर देखने को मिल जाता है। जेके टायर वाला थोड़ा हार्ड कंपाउंड होता है, आपको लॉन्ग टर्म में चलने वाला, अगर आपको जल्दी टायर जो है चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ग्रिप भी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और जो टायर है आपका लंबा चलेगा, तो आपको बार बार चेंज कराने की भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, यानी कि आपको मोटो ABS, सुपर मोटो ABS आप बोल सकते हो, जो कि TVS बोलता है, आपको सुपर मोटो ABS के अंदर देखने को मिल जाता है। 270mm की पेट्रोल डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो बात करूँ बाइक के हर्ट यानी कि बाइक के इंजन के बारे में, तो आपको 159.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 है, फ्यूल इंजेक्टेड है, RTFI आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि रेस ट्यून्ड FI आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पावर के बारे में बात करूँ, तो 15.53 PS की आपको इसके अंदर पावर देखने को मिल जाती है, और 13.9 Nm का आपको इसके अंदर टॉर्क देखने को मिल जाएगा। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, TVS जैसा ब्रांड है, तो आपको पता है इंजन तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और पावरफुल होना ही है। ऊपर से आपको इसके अंदर RTFI देखने को मिलेगी, रेस ट्यून्ड है, यानी आपको माइलेज भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और आपको पावर भी अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों का एक बैलेंस बना के दिया आपको, तो आपको माइलेज और पावर दोनों का ही आपको अच्छा देखने को मिल जाए। आगे चल के बात करूँ रेयर सेक्शन के बारे में, तो आपको यहाँ पे वैसे कार्बन फाइबर की फिनिश के ऊपर आपको अपाचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, थोड़ा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है बाइक को, काफ़ी अच्छा लगता है, और थोड़ा नया एडिशन है कार्बन फाइबर का। ऑल्दो ये रियल कार्बन फाइबर नहीं है, सब आपको कार्बन फाइबर की इसके ऊपर फिनिश देखने को मिल जाती है। आगे चल के अगर मैं बात करूँ रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको MIG के ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि गैस चार्ज हैं, एडजस्टेबल है, यानी कि आपको नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 5-way एडजस्टेबल है, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। आगे चल के बात करूँ अगर रियर टायर के बारे में, तो आपको 110x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, वहीं जो आपको 180 वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 120 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको कम देखने को मिलेंगी 180 से, तो ये कंपैरिजन है। और जो 160 उसके अंदर अभी आपको 160 के अंदर भी आपको 120 वाला ही देखने को मिलता है टायर, काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको उसकी तरफ जाना चाहते हो, वरना ये बाइक तो है ही आपके लिए। रियर डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ, तो आपको इसके अंदर 200mm की रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS, तो आपको रियर में RLP या ABS नहीं देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, बट जो डिस्क ब्रेक की बाइट है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पैडल डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। टेल लाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको प्रॉपर LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, पहले यहाँ पे आपको हैलोजन देखने को मिलती थी, बट अब आपको अब LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, बट जो अभी इंडिकेटर्स हैं आपको अभी बल्ब वाले ही देखने को मिलेंगे, आपको उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बस जो ये जो आपको 4V में देखने को मिलते हैं वैसे वाले इंडिकेटर अब आपको इसके अंदर भी देखने को मिलने लग गए। RTO 160 यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाता है, जो कि इंडियन फ्लैग के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, जो हमारे इंडियन ब्रांड है, सबको पता चलता है कि एक इंडियन ब्रांड है अपाचे और TVS। यहाँ पर आपको ग्रैबल के बारे में बात करूँ, तो आपको इसके अंदर स्प्लिट ग्रैबल देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, ट्विन ग्रैबरेल हैं, तो पिलनर इसको ईजिली ग्रैब करके बैठ सकते हैं, उनको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। चेंज सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको इसके अंदर ओपन चेंज सिस्टम देखने को मिल जाएगा, घर आपको 400-500 किलोमीटर चेंज को क्लीन और ल्यूब करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप ऐसी बाइक ले रहे हो, तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूर से करवानी चाहिए, सारे गार्ड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, कंपनी फिटेड, मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों का आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपका इस साइड स्टैंड लगा हुआ होगा, तो बाइक जो है गियर में डालते ही बंद हो जाएगी अपने आप, एक सेफ्टी फीचर है आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। मेन स्टैंड तो आपको इसके अंदर देखने को मिल ही जाता है। अगर आप फुटपैक्स के बारे में बात करूँ, तो आपको राइडर के लिए रबराइज फुटपैक देखने को मिल जाते हैं, और जो पिलियन है उनके लिए आपको मेटल के फुटपैक देखने को मिल जाते हैं, और ये लॉक हो जाते हैं, जैसे अगर आप हाई स्पीड पर हो, तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं हो बाइक के अंदर।
गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, कि 1 डाउन एंड 4 अप पे वर्क करने वाला, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। मैंने अपाचे को पर्सनली राइड करा हुआ है 160 को, गियरिंग मुझे कैसी भी कभी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आती है, आई मुझे, मैंने काफ़ी लंबा राइड करा था बट इसके अंदर गियरिंग जैसा कोई भी इशू नहीं है। पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाइक के अंदर और जो लुक्स हैं वो तो हैं, ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज भी कर दी हैं। सीट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट है, अगर राइडर हो चाहे वो पिलियन हो, तो डबल टोन में आपको देखने को मिल जाती है विद रेड कलर की स्टिचिंग आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी, तो कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। अगर आप उसको लॉन्ग राइड पे भी लेके जा रहे हो, हाईवे पे लेके जा रहे हो, तो आपको कंफर्ट में कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। फ्यूल टैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अराउंड आपको 12 लीटर्स का इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। माइलेज के बारे में बात करूँ तो 45-50 KMPL का आपको उसके अंदर माइलेज देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 160cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिंग सिंस 1982, तो आपको वो उसकी ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और RTR 160 आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मेन चेंज आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, तो कुछ ऐसा आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैसा देखने को मिल जाएगा, बट इसमें अंदर आपको येलो वाला देखने को मिलता है, जो 180 के अंदर आपको व्हाइट वाला देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको भी स्मार्टिक्स कनेक्ट देखने को नहीं मिलता है, वहीं जो अपना 180 वाला इसके अंदर आपको स्मार्टिक्स कनेक्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर गियर इंडिकेटर नहीं है, आपको उसके अंदर गियर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके अंदर फ्यूरोमीटर देखने को मिल जाएगा, ओडो है, स्पीड है, आपको टाइम देखने को मिल जाता है, आपकी रेव मीटर देखने को मिल जाएगा, रेव लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, स्पीड लिमिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चल के बात करूँ टाइटल लाइट्स का, तो आपको इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS की लाइट, हाई बीम, लो बीम, न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। तो आपको स्विच देखने को मिल जाएंगे जो कि मोड और सेलेक्ट के, जो भी फीचर्स हैं आप उनको टॉगल कर सकते हो। इवन आपको इसके अंदर राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएगा, आपको स्पोर्ट में दिख रही होगी, मैं इसको चेंज करूँगा तो अभी आ जाएगी रेन में, अर्बन में और अब आपको स्पोर्ट्स। इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको यहाँ पे पास का स्विच देखने को मिल जाएगा, हाई बीम, लो बीम का स्विच, टर्न इंडिकेटर, कुछ आपको इसके अंदर हॉर्न का स्विच भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है और ये मोड वाला बटन था जिससे मैं भी इसके अंदर मोड चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे आपको मोड का बटन देखने को मिलता है, सेल्फ का बटन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। किक का कोई भी ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको बताया TVS ने अपनी सभी बाइक के अंदर से जो 160cc है, 160 से ऊपर है, उनके अंदर आपको किक देखने को नहीं मिलती है। जो 110cc है, जो 100cc के अंदर आपको किक और ES का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट पर्टिकुलर ये वाली बाइक में आपको किक का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। हैंडल बार के बारे में बात करूँ तो आपको क्लिप ऑन देखने को मिलते हैं, प्रॉपर क्लिप ऑन देखने को नहीं मिलते हैं, आपको इसके अंदर फॉल्स क्लिप ऑन देखने को मिलते हैं, हल्के से ऊपर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको जो राइडिंग पॉस्चर है वो स्पोर्टी भी रहे और आपको ज़्यादा रेस्ट और वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो बाइक तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। आगे चलिए अगर मैं बात करूँ अब इसकी एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, तो आपको देखने को मिल जाती है 1.27 लाख में आपको एक्सशोरूम ये देखने को मिल जाती है। काफ़ी अमेजिंग बाइक है, अगर आप जाना चाहो इस बाइक तो बिल्कुल जा सकते हो। ऑन रोड प्राइस जो है वेरी करती है स्टेट टू सिटी, आपको आपके स्टेट में कुछ और हो सकती है, मेरे स्टेट में कुछ और हो सकती है, तो आप हर जगह अलग अलग होती है। वैसे आप जाना चाहो इस बाइक तो बिल्कुल जा सकते हो। TVS जैसा ब्रांड है, लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, सर्विस से रिलेटेड या पार्ट से रिलेटेड या बाइक की किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। बाइक बिल्कुल परफेक्ट है और आप जाना चाहो बाइक तो बिल्कुल जा सकते हो। तो यही था अपने वीडियो इस अमेजिंग सी बाइक के बारे में, मैंने आपको इसके स्पेसिफिकेशन में बताया, मैंने आपको इसके अंदर नए नए जो फीचर्स उसके बारे में बताया और 180 से कंपेयर करके ही बताया कि 180 के अंदर क्या क्या अलग है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लो जरूर पसंद है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना सभी दोस्तों जो बाइक को बाय करने की सोच रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो रहा, कोई भी क्वारी हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देख लो जरूर पसंद है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना सभी दोस्तों। लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, उसमें गुस्सा मारे में करो तब जाना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस अमीगो साइनिंग ऑफ आर्य व्लॉग।